ये क्या बनके घूम रहा है? बनके घूम रहा हूँ? What do you mean? बाहर जाकर देखो, लड़कियाँ मुझे देखकर मर रही हैं। देख, मैं तुझे जानता हूँ बचपन से। बाकी जो भी तुझे पहली बार ऐसे देखा, मरेगा ही वो। तुझे कहा ना, धर्मपाल जी आ रहे हैं, सेट पे पोछा लगा, तू सर पे लगा के घूम रहा है। तुम्हारी ही नहीं हरकतों की वजह से तुम्हें सोनी टीवी ने सैटरडे संडे दिया है, नहीं तो वो सोमवार से लेकर शुक्रवार भी सोच रहे थे। अच्छा। और तुझे पता, तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से सैटरडे संडे बंद करने का सोच रहे वो। वो सीआईडी बंद ही इसीलिए किया, कहता मेन चोर तो हमने पकड़ लिया। यार एक मेरी बात सुनो। हाँ? कभी तो तारीफ कर दिया करो, कभी तो कुछ अच्छा करो। सच सच बताओ, मैं नहीं लग रहा हूं बॉबी देओल? दिल पे हाथ रख के बताओ। बॉबी देओल, नहीं लग रहा हूं। बॉबी देओल का स्वेटर लग रहा है तू। वो भी वो वाला जो सनी देओल ने गुस्से में उधेड़ दिया। ये तो तुम बातें बना रहे हो। तो और हमें क्या, सोनी ने इधर मिठाइयां बनाने के लिए रखा है? बातें बना रहे हो, करने क्या है तू इधर? देखो मेरी बात सुनो कपूर शर्मा। हाँ? इधर आ रही है देओल फैमिली। हाँ? तो मैं उनको ट्रिब्यूट देने के लिए आया हूँ, इसलिए मैंने इतनी तैयारी की है। अगर तू बता दे कि ट्रिब्यूट होता क्या है, तेरे को मैं आज 2 करोड़ रुपया दूंगा। ओ, ट्रिब्यूट बहुत अच्छा होता है, वो बड़े बड़े लोगों को दिया जाता है। अच्छा। हाँ तो ठीक है, दिया जाता है, वो उसे बनाते कैसे हैं? वो बिना ऑयल के होता है ना? नहीं नहीं, मेरी और बात बता, और बता। ओ, मेरी बात सुनो यार। हाँ? सुन लिया करो बात, मेरी दादी बनाती थी, मुझे रेसिपी नहीं याद। तुम सिर्फ मेरी हो काजल, और मैं सिर्फ तुम्हारा। अगर इस चौगड़ पे बारात आएगी तो सबसे पहले उसकी अर्थी उठेगी जो सेहरा बांध के घोड़ी पे बैठ रहा होगा। Nice, very nice. मेरी बात सुनो, तुम सनी देओल बने ना, तुम्हारी एग्जिट उधर है, जाओ उधर। एक बंदा नकली धर्मेंद्र बना, वो तुम्हें पीटेगा, चलो। अरे ओ, उड़ जा काले कावा, तेरे मुंह विच खंड पाओ। अरे ये बताओ, तुम्हारी चोटी किधर गई? दिख रही है? नहीं दिख रही। बहुत जल्द तुम भी दिखाई नहीं दोगे। और मेरे साथ तुम हाथापाई करोगे? नहीं यार, कमाल कर रहे हो यार, तुम्हारे साथ हाथापाई क्यों करेंगे? तुम्हें आराम से जमीन पे लेटा के तुम्हारे मुख पर थोड़ी देर के लिए विराजमान होंगे। ओए, तुम्हें चुड़ैलों ने मिक्सर ग्राइंडर में डाल के घुमाया था? क्या हुआ क्या तुम्हें? हाँ, ऐसा पिट कर कहां से आए हो, ये क्या हो गया? ओ यार, मैं बॉबी देओल बना हूं। ए यार, क्या तुम बॉबी देओल बने हो? ये बात तुमने कप्पू शर्मा को बता दी? बता रही है। अरे यार, फिर तो सारी बेइज्जती उन्होंने कर दी होगी। हमारे को मौका ही नहीं मिला। सा कप्पू शर्मा। हाँ? जितनी मेरी की इसकी भी करो ना। सुनो जी, मैं आपको ढूंढ रही थी, आप तो पालू बन के निकल भी आए। अच्छा बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? हमने तुमसे कहा था हीरोइन बन के आओ, तुम ये अर्चना जी बन के क्यों आ गई हो? अर्चना जी मतलब मैं जेंट्स लग रही हूँ? भाभी एक बात बताओ, ये पहन तो ली है, इसको उतारना कैसे है? अरे ये हमारे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हम पहनने के बाद उसे काट देते हैं, उतारता कौन है? नहीं नहीं नहीं, यही काटते हैं, मैं तो काटती भी नहीं, मैं करती हूँ फट जाता है। देवर जी। हाँ? मुझे ना आपसे बात करनी बहुत जरूरी। क्या? मेरे को ना वो सनी देओल जी आ रहे हैं ना। हाँ? मेरे को सिर्फ उनके साथ 2 मिनट मीटिंग करा दो, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? मुझे यही उनसे बात करनी कि धर्म जी आ रहे, मैं उनसे क्या बात करूँ? दीदी मैं तैयार हूँ। ओए, शो तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, तू लड़की बन के क्यों घूम रही है? लड़की? कप्पू ध्यान से देखो, तुम्हारी सोसाइटी में एक ही ओरिजिनल लड़की है और वो मैं हूँ। ओरिजिनल? तू अगर ओरिजिनल होती ना
तो आज हमें परवीन को लड़की ना बनाना पड़ता। आई पड़ी और मेरा रुमाल जो मैं कब से ढूंढ रही थी उसको साड़ी बना के पहन के आई है। नहीं। ये देखो कप्पू शर्मा इधर से कड़क है ना, ये मेरा रुमाल है, मैंने नाक पोछा था। उफ, मैं हेमा मालिनी बनी हूँ, कैसी लग रही हूँ? ये मार खाऊंगी। क्या बनी तू? हेमा मालिनी बनी तो है। अरे मैं कैसी लग रही हूँ, ऐसे कैसे जा रही हूँ, बता तो तू कैसी लग रही हूँ। एक रुपए की कुल्फी कभी खाई है? तो ऐसे घड़े में हाथ मार के निकाल के देता है वो, उससे भी गंदी लग रही तुम। सच है, सच। ये हेमा मालिनी सुनकर तो मेरी भी हंसी निकल। मेरी हंसी निकली नहीं, पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे से थप्पड़ अंदर से खा के आई है। और ये चमगादड़ का बच्चा क्यों है यहाँ पे? चमगादड़ का बच्चा इसलिए यहाँ पे क्योंकि उसने छिपकली देखनी है जिसने पिंक साड़ी पहनी हुई है। कप्पू अपने दोस्त को समझाओ मैं छिपकली कहाँ से लग रही हूँ। छिपकली तो नहीं पर तू मच्छर को देख के तेरी जुबान को बाहर निकलती है। मेरी बात सुनो, ये फैंसी ड्रेस बंद करो और सबके सब दफा हो जाओ यहाँ से। तुम नॉर्मल एंट्री नहीं ले सकते? अरे तो कुछ नहीं भाई, इतना तो हम घर पे खाने के बाद भी कर लेते हैं। ये तो एक नंबर भी जाता है, पहले ऐसे ऐसे करता है बाहर में करता। तू ऐसे ऐसे करता है ना तो लोग पैसा रख देते हैं उस पे। तो पश्चिमा देख रहे हो कैसे बातें कर रहे हो, उसको भी कुछ बोलो। हाय हाय। ए हाय हेलो नहीं बोलना, उसको टोंट मारो जो उसके सर पे लगे। टोंट मारो? वो तेरी तरह चमगादड़ के बाल पहन के नहीं आया? और तेरी फ्रॉक कहाँ है? अरे हाँ, फ्रॉक कहाँ है? डॉक्टर ने बुलाया हफ्ते में 2 दिन जेंट्स के भी कपड़े पहना करो। कहीं ऐसा ना हो मैं किसी लड़के के साथ भाग जाऊं कभी, मेरा अपना परिवार भी है। पर एक मिनट मेरी बात बताओ, तुम लोगों ने मेला क्यों लगा रखा है यहाँ पे? अरे धर्म जी का दिल जीतना है। हाँ। मेरे को तो देखते ही पहचान जाएंगे कि मैं क्या बनी हूँ। शक्तिमान? अरे नहीं जी, सब मिलकर ट्रिब्यूट देंगे यार उनको। हाँ। मजा आएगा। देखो ट्रिब्यूट देना है उनको और सबसे ज्यादा उन्होंने मुझे लाइक करना है। पूछो क्यों? क्यों? बेस्ट बॉबी देओल ऑफ द ईयर। ओए सुनो मेरी बात, तुम सब लोग ना अपनी अपनी एक ऐसी फोटो मेरे को दे दो। हाँ। मैं दिखाऊंगा धर्म जी को, अगर तो उन्होंने अप्रूवल दे दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम अपने अपने हिसाब से सुसाइड कर लेना। सो मेरी परफॉर्मेंस अलग होगी, इन सबकी अलग होगी। इन सबकी आओ आओ करवाते हैं तुम्हारा परफॉर्मेंस। मेरी बात सुनो, चलो तो मेरी बात सुनो। अरे चलो मेरी बात सुनो, अरे चलो चलो आओ इधर, अरे आओ इधर कराते हैं तुम्हारा परफॉर्मेंस। अरे रुको, कहां जा रहे हो? अरे पकड़ इसको बेटा। अरे For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.